तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। हेलो जी जाहिद जी, जाहिद जी जमशेदपुर से एक खबर आ रही है, एसपी ऑफिस में कुछ महिलाएं और पुरुष पहुंचे हैं और एसपी साहब से मिलना चाहते हैं, क्या मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जमशेदपुर थाना क्षेत्र, जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है जो 19 तारीख को ससुराल में लड़की जली थी। जलने के बाद वहाँ से एमजम हॉस्पिटल में इलाज के लिए लड़की को लाया गया था, उसके बाद टीएमएच रेफर किया गया। टीएमएच में उस महिला का इलाज चल रहा था, इलाज के दरमियान 24 तारीख को लड़की का मौत हो गया है। इस मामले को लेकर के इन लोगों ने लड़के के ऊपर और लड़के के परिवार वाले के ऊपर मामला दर्ज कराया गया है बिरसा नगर थाना में, मगर लड़के के पक्ष में बीजेपी के कुछ महिलाएं लोग आज एसपी से मिलने के लिए पहुंची थी। उन लोगों का कहना है लड़का का इलाज एमजीएम में चल रहा है, लड़का दोषी नहीं है, इसका सही से जांच किया जाए, ये लोग गलत फंसा रहा है लड़की वाले लोग, लड़का वाले के ऊपर, लड़का के ऊपर, और ये सही से जांच किया जाए। लड़का का भी हाथ दोनों जला था, जो हमने कवरेज किया था टीएमएच में, लड़का का भी हाथ जला था, उस वक्त टीएमएच में मारपीट भी हुआ था लड़के के साथ, वो बिल नहीं देना चाह रहा था, भाग रहा था, इसके लिए तो मारपीट भी हुआ था टीएमएच में। उसके बाद ये आज ये लोग पहुंचे हैं ताकि लड़का को न्याय मिले, ये कहना है लड़की अपने से जली है और ये किसी का विवाद आपस में हुआ था बस्ती का, उसको लेकर के लड़की जली है, लड़का नहीं जलाया है, लड़का ने बचाने का भी प्रयास किया जो दोनों हाथ जला है, ये कहना है बीजेपी के जो महिलाएं लोग आई थी और उसके परिवार के माँ बहन सभी उपस्थित हुए थे लड़का का। जी तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं? जी जी देखिए, अधिकारी से तो बात नहीं हुई, वो लोग अपने जांच में जुटे हुए हैं, अभी तो ये लोग एसपी लड़का पक्ष के लोग पहुंचे थे एसपी से मिलने के लिए, अभी पूरे इस मामले की जांच होगी और अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ है, डेड बॉडी जो है टीएमएच में ही रखा हुआ है। कहना चाह रहे हैं कि लड़का निर्दोष है, लड़का के परिवार वाला लोग निर्दोष है, लड़की अपने जली है तेल लगाकर, क्योंकि तेल गिराकर, क्योंकि वो दूसरे के मैटर के झगड़ा के लेके वो जली है, उसका परिवार निर्दोष है और हम लोग चाह रहे हैं कि सही जांच हो। लड़का एमजीएम में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। कितने तारीख को घटना हुआ था? घटना 19 तारीख को हुआ था। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सही जांच करें, सही जांच करके दोषी जो है उसको सजा हो और जो निर्दोष है उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगना। क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम कमलजीत कौर है और उसका पति का नाम है अमन सिंह। तो लड़की के परिवार वाले लड़का के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जी, जला के मारने का? हाँ, हाँ, हाँ। क्या लग रहा है आप लोगों? गलत है, वो लोग का आरोप गलत है, जबकि उनकी खुद के बेटी, उनके घर के बेटी ही बयान दी है कि हम खुद को जले हैं, कोई मुझे नहीं जला। कितने साल हुआ था शादी का? एक साल शादी हुआ। एक साल हुआ। कहाँ रहते हैं लोग? बिरसा नगर 6 नंबर। लड़की का ससुराल मायके वही है? दोनों रामगढ़ में, रामगढ़ की लड़की रहता है। चाहते क्या आप लोग? हम लोग चाहते हैं सही न्याय हो, सही जांच हो, सही जांच हो, सही निर्दोष जो है, निर्दोष के ऊपर क्यों केस करना, सही जांच करके सही उचित कार्रवाई किया जाए, बस यही।